देखो ये मछली कितनी ज्यादा प्यासी है, जो कि समुद्र के ऊपर आकर पानी को पीते ही जा रही है। दरअसल ये दुनिया की सबसे बड़ी मछली वेल शार्क है, जिसका मुंह बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जिसकी मदद से ये पानी के साथ साथ झुंड में तैरने वाली छोटी मछलियों को भी खा जाती है। और इंसानों के यूनिक फिंगरप्रिंट की तरह ही वेल शार्क के पास भी यूनिक पैटर्न स्पॉट होते हैं, और इस पैटर्न की मदद से इन्हें कहीं भी आसानी से पहचाना जा सकता है। और क्या आपको पता है, बार्टिकल पानी में मछली को पकड़ने के लिए 100 मील प्रति घंटे तक गोता लगा सकते हैं। साथ ही हिप्पो पानी में बार बार इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनकी स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है, जो कि बाहर की गर्मी को सहन नहीं कर पाती। और भले ही हिप्पो का शरीर दिखने में काफी बड़ा लगता हो, लेकिन ये बहुत कम खाना खाते हैं। मतलब ये अपने शरीर के वजन का सिर्फ 1 से 1.5% ही खाते हैं। फैक्ट नंबर 2, कीवी का अंडा मुर्गी के अंडे से 6 गुना ज्यादा बड़ा होता है। जब बारिश होती है तो सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में जाकर छिप जाते हैं, लेकिन ईगल एकमात्र ऐसा पक्षी है जो बादलों को भी पार करके उनके ऊपर चला जाता है, जहां बारिश उसे छू भी नहीं पाती। और इनकी दूरबीन जैसी आंखें 3 किलोमीटर दूर से ही अपने शिकार पर निशाना साध लेती है। आप लोगों में से बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि ईगल पानी में तैर भी सकते हैं, और इनके पंख इतने ताकतवर होते हैं कि वो अपने पानी से भरे गीले पंखों के साथ भी ऊंची उड़ान भर लेते हैं। और आखिरकार गिद्ध यानी वल्चर बड़ी बड़ी हड्डियां कैसे खा जाता है? दरअसल दोस्तों, वल्चर का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत पावरफुल होता है, जिस वजह से ये सड़ा गला मांस और हड्डी पेट में निगल लेते हैं। और जब बात किसी बड़ी हड्डी की आती है, जिसे एक बार में नहीं निगला जा सकता, तो ये उसे खाने के लिए सबसे पहले ऊंची उड़ान भरते हैं और किसी पथरीली चट्टान वाली जगह पर उस हड्डी को गिरा देते हैं, जिसे हड्डी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और फिर ये उसे नीचे आकर खा जाते हैं। और क्या आपको पता है कि आर्गस पीकॉक एक ऐसा मोर है जो अपने पंखों को आगे की तरफ फैलाता है। फैक्ट नंबर 3, एक स्लॉट को अपना भोजन पचाने में 2 हफ्ते का समय लगता है। हाथी एक ऐसा जानवर है जो पैर होने के बाद भी कूद नहीं सकता, और ये है सेंस स्पाइडर, जो अपने शिकार को दबोचने के लिए अपने आप को इस तरह से रेत में छिपा लेती है। फैक्ट नंबर 4, इस जीव का नाम है जाइंट एटिएटर, और देखो इसकी नाक कितनी लंबी होती है। ये है बीटर जिंजर, जिसे शैम्पू वाला पौधा भी कहा जाता है, क्योंकि इसे दबाने पर चिपचिपा लिक्विड निकलता है, जिसे नेचुरल शैम्पू कहते हैं। और क्या आपको पता है, अमेरिका में हर रोज करीब 2 करोड़ से भी ज्यादा मुर्गे मार कर खाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, घोड़े के बच्चे पैदा होने के कुछ घंटे बाद ही चलने और दौड़ने लगते हैं। मगरमच्छ कभी भी एक एडल्ट हिप्पो को नहीं हरा सकते, इसीलिए वो उनके बच्चों को मार कर खा जाते हैं। क्या आपको पता है कि टीना मोव नाम का पक्षी काफी कलरफुल अंडे देता है, और डॉल्फिन एक दिन में 30 पाउंड तक मछली खा सकती है।